कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स। अब देखना, समझो जरा, कन्वर्स में क्या होगा कि जो गिवन था, अब ये प्रूफ करना है आपको, अभी आपको क्या करना भाई साहब, प्रूफ करना है, और जो प्रूफ करना था वो क्या है, गिवन। चलो अब हमको ये रेशियो गिवन है कि एडी अपॉन डीबी बराबर ए अपॉन ईसी, तो बोला गया ये प्रूफ करो कि ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। अब ये बोला गया कि प्रूफ करना है, तो भैया अब प्रूफ करें तो हमने क्या किया कि ये लाइन पैरेलल है ही नहीं। जैसे नहीं कि कोई भी चीज़ प्रूफ, जब हमको ये प्रूफ करना है कि प्रूफ करो कि ये आदमी होशियार है, मान लो ठीक है, हमने कहा, हमने लेट कर लिया कि ये आदमी गधा है, इसे कुछ नहीं आता। फिर हमने उसके ऊपर स्टडी करी और पता लगा, अरे नहीं यार ये तो गधा है ही नहीं। तो जब गधा नहीं तो फिर वो क्या होगा, होशियार। तो कई प्रूफ ऐसे हैं जैसे चैप्टर वन में कि प्रूफ करो कि रूट टू इरेशनल नंबर है, तो कोई कर ही नहीं पाया, तो उन्होंने कहा लेट कर लो कि रूट टू रैशनल नंबर है। फिर बाद में कह रहे यार हमने गलत सोचा था, आर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड रूट टू ए क्या इरेशनल नंबर है। तो कहने की ये जो लाइन है ना कि प्रूफ करो कि ये क्या है, पैरेलल, और पता तो है हमको, लेकिन प्रूफ कैसे करें। तो हमने कहा भाई साहब ये है ही नहीं, ये अफवाह है, ये लाइन पैरेलल है ही नहीं, पैरेलल तो ये लाइन है, पैरेलल तो ये लाइन है। हमने अब मैंने कहा ये तो पैरेलल है ही नहीं, ठीक है ना, हमने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की है खुद से, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया है। तो अब हम करने जा रहे हैं प्रूफ, और ये मैंने खुद कंस्ट्रक्ट किया है, सारे बच्चे ध्यान देंगे, कंस्ट्रक्ट क्या किया कि डी एफ है ना, ये किसके पैरेलल है, बी सी के, किसके पैरेलल है, क्या चमका, ये हमने खुद से कंस्ट्रक्ट कर लिया, क्योंकि अब यार डी को लेके डाउट है ना, हमने डाउट ही खत्म कर दिया, हमने कहा तुम हो ही नहीं, हटो, हम करते हैं पैरेलल ड्रॉ। अगर ये पैरेलल है डी एफ तो क्या इस पे थेल्स थ्योरम अप्लाई हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। थेल्स थ्योरम कहाँ पर अप्लाई होती है, जहाँ एक लाइन आपको पैरेलल मिल जाए। तो अगर डी एफ पैरेलल है तो हम क्या बोलेंगे कि ए डी अपॉन डी वी इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी। इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये तो है ही नहीं, इसको भूल जाओ, मारो बोली इसको, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम यही तो लगेगी ना कि भैया ए डी अपॉन बी डी और ए एफ अपॉन एफ सी। चलो मैं इसको वापस लिख देता हूँ। अच्छा ये कहाँ से आया, यूजिंग थेल्स थ्योरम। अब थेल्स थ्योरम तो प्रूफ कर चुके हैं ना, तो इसका तो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा और ये हमको गिवन भी है, क्या गिवन है हमको, हमको गिवन है ए डी अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन, ये क्या है हमको गिवन है। अब एक बात सोचो, ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी बराबर, ये क्या है, बराबर है, तो ये भी तो बराबर होंगे, यस और नो। तो ये इक्वेशन वन और ये इक्वेशन टू, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ए एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। हमको प्रूफ करना क्या है, हमको प्रूफ करना है कि भाई डी ई पैरेलल है, क्या प्रूफ करना है, डी ई पैरेलल, बड़ी दिक्कत आ रही है, अब क्या करें। फिर मैंने क्या किया, वन इधर भी ऐड कर दिया, वन इधर भी ऐड कर दिया, सबसे बड़ी दिक्कत सर आप कहीं भी ऐड कर दे रहे हो, समझो कैसे ऐड हो रहा है, एक मिनट में खुद समझ आ जाएगा आपको। एलसीएम कितना आया, एफ सी, एफ सी वन के साथ एफ सी प्लस ए एफ, एलसीएम कितना आया ई सी, ऊपर कितना बचा ए ई प्लस, इनको ऐड करो एफ सी और ए एफ को ऐड करो, कितना हुआ, कितना हुआ ए सी अपॉन, ऊपर ऐड करो कितना हुआ ए सी अपॉन ए सी, तो ए सी शहीद हो गया, कितना बचा एफ सी इक्वल्स टू ई सी। अब देखो इसको यार जरा, एफ सी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, और ई सी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, बराबर प्रूफ कर दिया हमने, क्या प्रूफ कर दिया, बराबर। तो इसका मतलब है कि जो एफ, जो हमने पॉइंट लिया था ना, वो डी के वो ई के ऊपर ही है, जो हमने पॉइंट एफ लिया था, एक बात सुनो, हमने प्रूफ कर दिया कि जो एफ सी है और जो ई सी है ये आपस में बराबर है। अगर ये हमने प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब सो पॉइंट F एंड E आर कोइंसाइड,
क्या है, एक के ऊपर एक है, क्या है ये? ऐसा तभी सुनो, एफ सी और ई सी बराबर हमने प्रूफ कर दिया, तो ये अगर हमने बराबर प्रूफ कर दिया इसका मतलब ये डिस्टेंस तो कुछ है ही नहीं, तो जो एफ पॉइंट जो हमने लेट किया था ना वो हमने ई के ऊपर ही कर लिया था, यस और नो? और हमने कहा था कि डी एफ पैरेलल है, तो पक्की बात है डी ई भी क्या होगा, चमका ना? सो डी ई इज पैरेलल टू, यस और नो? तो ये कन्वर्स है इसका, जो प्रूफ करना था वो गिवन है, जो गिवन करना था वो प्रूफ है, कोई दिक्कत हो बताओ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। चलो